सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इससे पहले कि हमने जितने ही पार्ट्स हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उधर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ इसका मतलब क्या है? तो इंडिया और जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद जितने भी कंट्रीज़ थे उनके साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो इंडिया का रिलेशन सारे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ अच्छा ही रहा है, पर सबसे ज्यादा अच्छा रहा है रशिया के साथ, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो इंडिया हैज मेंटेन अ गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल विद रशिया एंड इंडिया। एंड इंडिया एंड रशिया का रिलेशन तो 1971 का जो इंडिया का वॉर हुआ था उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, हाउ रशिया हेल्प्ड अस इन दैट वॉर। इंडियाज रिलेशन विद रशिया आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरन इंडियाज फॉरन पॉलिसी। इंडिया और जो रशिया के रिलेशन है वो इंडिया के फॉरन पॉलिसी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया जो है इंडिया के फॉरन लेवल पर यूएन में बहुत सपोर्ट करता है। ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू कश्मीर, ठीक है, उसमें रशिया ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। तो लिखा है इंडो रशियन रिलेशंस आर इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस। देखो इनकी जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन दीज? तो These two, तो ये दोनों ही चाहते हैं जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो। अब व्हाट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड? कि भैया सबके पास अपनी अपनी पावर हो। नाउ इन करेंट सिचुएशन वर्ल्ड इज यूनिपोलर। वर्ल्ड कैसा है? यूनिपोलर है, ठीक है। पावर सिर्फ एक के पास है, वो है यूएस, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है कि नहीं? तो इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउसहोल्ड नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। तो भैया रशिया में और बाकी जितनी भी सोवियत कंट्रीज है लाइक उज्बेकिस्तान, वहां पर अमिताभ बच्चन और राज कपूर साहब बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। वहां के लोगों को भले ही हिंदी आए चाहे ना आए, ठीक है, लेकिन वो हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, ठीक है। One can hear Hindi film songs all over the region and India is a part of the popular memory. आप अगर वहां जाओगे तो आपको मतलब यूजली सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ओवर, ठीक है। मैंने क्या बोला, इनका जो विजन है किसका, रशिया और इंडिया का, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब ये भैया मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ फॉर ऑल कंट्रीज and decision making through bodies like UN that should be strengthened, democratized and empowered. तो what they are trying to say कि भैया जो multipolar है उसमें several power होना चाहिए, उनकी collective security होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर भैया कोई country है, ठीक है, वो दूसरी country पर attack कर देता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि भैया वो जो countries है वो एक threat है for the entire world, है ना मास्टर? तो ये कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे मीन बाय मल्टीपोलर? मल्टीपोलर से भैया क्या आपका तात्पर्य है? पहला तो सेवरल पावर होना चाहिए, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। अरे कल को कोई कंट्री उठ के तुम्हें पीट के चला गया और तुम देखते रह गए, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, है कि नहीं, है ना। ग्रेट रीजनलिज्म, किसी का कल्चर है उसको लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब अपना फॉलो करना है। जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो एक अच्छी जगह पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको नेगोशिएट करके, बातचीत करके, ठीक है, तो
तो नेगोशिएशन की बात करते हैं, ठीक है ठीक है, समझ गए। और क्या बोलते हैं, जितनी फॉरेन पॉलिसीज है ठीक है कंट्रीज के लिए, और जो डिसीजन मेकिंग है वो एक बॉडी के थ्रू होना चाहिए जिसका नाम है यूएन। एग्जांपल दिया है कि भैया जितने भी डिसीजन मेकिंग है उनको यूएन के थ्रू कराना चाहिए, ठीक है, जो कि कंट्री को स्ट्रेंथन कर देगा, डेमोक्रेटाइज कर देगा, ठीक है, और एम्पावर्ड कर देगा, ठीक है, मतलब कि अब अपने ऊपर निर्भर रहने में, ठीक है। तो व्हाट डू दे मीन बाय मल्टीपोलर, भैया सेवरल पावर हो, ठीक है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो वो सॉल्व हो बैठ कर, ना कि लड़ाई वड़ाई किसी को पीट पाट के, ठीक है। नेगोशिएशन की बात करते हैं, ठीक है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो एक बॉडी के थ्रू होना चाहिए लाइक यूएन, ठीक है, दे आर सपोर्टिंग यूएन, दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। और क्या है, और है कि मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ओके। तो इंडो रशियन एग्रीमेंट के अंदर 80 से भी ज्यादा, ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन द ईयर 2001, ठीक है। तो उसको बोला गया है इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, जिसमें 80 से भी ज्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इशूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। सो रशिया हैज हेल्प्ड इंडिया इन मैनी सर्कमस्टांसिस सच एज इशूज लाइक कश्मीर। तो यूएन में जब कश्मीर की बात छिड़ती है तो रशिया है ना अपने वीटो पावर का यूज करता है, और वीटो पावर का यूज करके इंडिया के फेवर में अपना, इंडिया के टुवर्ड्स अपना फेवर दिखाता है। एनर्जी सप्लाई में मदद करता है, ठीक है, जितने भी ऑयल्स होते हैं ऑयल, ठीक है, वो इंडिया इम्पोर्ट कराता है फ्रॉम रशिया, ठीक है। रशिया से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ समझ रहे होंगे, कृपया अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म मतलब कि वो होता है ना कि स्पाई होते हैं इनके, ठीक है, तो रशिया की भी अपनी स्पाई एजेंसी है, वो बहुत सारी कंट्री में जाती होंगी, ठीक है, एंड दे मे गेट एनी इंफॉर्मेशन फॉर द मे गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म, और वो इसको इन्फॉर्म करते फिर इंडिया को कि देखो भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है, तो ये ऐसे बता देते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर जो एक्सेस है इंडिया को कौन देता है, रशिया, तो रशिया के थ्रू इंडिया जो है सेंट्रल एशिया में प्रवेश करता है। एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद द चाइना, चाइना के साथ जितने भी ताबड़तोड़ बातचीत होती है, ठीक है, उसका सेटलमेंट कौन कराता है, रशिया, ठीक है। रशिया इज वर्किंग लाइक अ मिडल मैन नाउ, ठीक है, मिडल मैन की तरह काम कर रहा है। देखो दीज आर नॉन ऑफिशियल टर्म्स, ये टर्म मैंने दिया है कि मिडल मैन, ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे तो ये सेंट्रल एशिया में भी जाने की हेल्प कर रहा है, चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करने में भी इंडिया की हेल्प कर रहा है रशिया, ठीक है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशन बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। अब भाई ऐसे कैसे, तो कोई हेल्प करता नहीं है तो फॉर रशिया, ठीक है, रशिया अपने आर्म्स को, ठीक है, मतलब रशिया का जो आर्म मार्केट है, रशिया सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो माल बेचता है अपना आर्म्स का, वो किसको बेचता है, इंडिया को, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट कौन है, हमारी इंडिया, ठीक है। तो तुमने देखा होगा जितनी भी आजकल वो नया नया कुछ हथियार आ रहा है तो दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, इंडियन मिलिट्री के पास बहुत सारे जो हार्डवेयर है, बहुत सारे जो वेपन्स है, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, रशिया से। सिंस इंडिया इज एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन, रशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया एंड हैज रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडियन ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया इंडिया जो है, इंडिया ऑयल को इम्पोर्ट कराता है, ठीक है,
आई से इंडिया, आई से इंपोर्ट, ठीक है। तो जो रशिया है वो हमेशा इंडिया को असिस्ट करता है कि भैया देखो ऐसे ऐसी बात है, उनके ऑयल क्राइसिस के टाइम पे ऐसे ऐसे मैनेज करो तो आपका सही चलेगा, ठीक है। तो रशिया जो है ऑयल क्राइसिस के टाइम पे इंडिया को असिस्ट करता है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया एंड द रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इंडिया अपना ऑयल अपनी एनर्जी को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल कह सकते हैं या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इंपोर्ट कराएगा, ठीक है। सीकिंग मतलब सोच रहा है कि भैया इंपोर्ट कराएं हम लोग कहाँ से, रशिया से, कजाकिस्तान से, फिर तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। इन सब का इन्वेस्टमेंट है ऑयल फील्ड के साथ। अब मैंने एक पार्ट पढ़ाया था एक हमारी वीडियो में था कि भैया बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रिवाइव कर गई थी, ठीक है। उसका रीजन क्या था, दे हैड ऑयल रिजर्व, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल रिजर्व देयर इकोनॉमी रिवाइव्ड, ठीक है। रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड एसोसिएटेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल साइरोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। तो तुमने एक हमारा ही आर्यभट्टा करके सैटेलाइट था, ठीक है, वो आपको पता नहीं है तो पता ही होगा वैसे तो, ये रशिया के स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो रशिया के स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। तो साइरोजेनिक रॉकेट जब चाहिए होता है इंडिया को, जब भी जरूरत होता है तो रशिया प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी इंडिया और रशिया ने साइन कर रखे, कोलैबोरेट कर रखा आपस में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा ये वाला, तो इंडिया और यूएसएसआर के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉयड अ स्पेशल रिलेशनशिप विच लेड क्रिटिक्स टू से दैट इंडिया वॉज पार्ट ऑफ सोवियत कैंप, इट वॉज अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। देखो जब कोल्ड वॉर चल रहा था मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ क्या, सोवियत कैंप, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ सिर्फ फायदे की बात चलती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक तौर पे देखिए जरा इकोनॉमिक, तो द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट। इंडिया को रशिया ने असिस्ट किया था जब असिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल था इंडिया के लिए, कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो एंड विशाखापट्टनम, मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। तो मशीनरी प्लांट हो चाहे स्टील प्लांट्स हो, इंडिया को हमेशा रशिया ने टेक्निकल असिस्टेंस दिया है, नो मैटर किसके रिलेटेड, चाहे वो स्टील प्लांट हो, स्टील प्लांट जैसे बोकारो विशाखापट्टनम में है उनके रिलेटेड इनको असिस्ट किया, और मशीनरी प्लांट जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है इनको भी असिस्ट किया। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड द इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज का कमी था तब रशिया ही था जिसने इंडिया को इंडिया की हेल्प की थी, क्या कि इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करके, ठीक है, इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करके इनको चीज़ें इंपोर्ट करें, ठीक है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, हाउ रशिया हेल्प इंडिया इन इट्स क्रिटिकल टाइम। पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल तौर पे देखते हैं तो द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन इन ऑन द कश्मीर रूसी इन द यूएन। सो अबाउट 5 मिनट्स अगो आई जस्ट टॉक अबाउट कि भैया कैसे सोवियत अपने वीटो पावर का यूज करके हमेशा यूएन में, ठीक है, जो कश्मीर वाला जो इशू है वो इंडिया के फेवर में कर देता है, इंडिया के बकेट में डाल देता है। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग द इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द
वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1971, अभी यही बताया था कि भैया 1971 का वॉर देखना, तो यू कैन सी कि भैया कैसे रशिया ने कैसे हेल्प किया था इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज, तो इंडिया ने भी हेल्प किया है। अब क्या ही हेल्प कर सकता है इंडिया, बट इंडिया भी हेल्प करता है। ठीक है, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स एंड जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। ठीक है, तो व्हाट द रियलिटी इज कि भैया इंडिया भी हेल्प किया है। ठीक है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट वेज। ठीक है, अब मिलिट्री वेज में तो हमें बताया कि इंडिया रिसीव करता है अपना बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत यूनियन से, जहाँ पे बहुत कम कंट्रीज थी जो कि मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को किसी भी कंट्री का पार्ट बनाना चाहती थी। तो द सोवियत यूनियन एंटर इंटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउिंग इंडिया टू अ जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। अब बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया के पास भी उसका राइट है, भाई कॉपीराइट है, भाई आप बना सकते हो। कल्चर देखते हैं, तो मैंने बोला कि भैया हिंदी फिल्म्स है और जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोवियत यूनियन में। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट है, उन्होंने विजिट भी किया है यूएसएसआर को। और यहाँ पर आपको एक और बॉक्स दे रखा होगा, ठीक है, ये नहीं सॉरी, इसके ऊपर है ये रहा। तो इसमें क्या होता है कि उज्बेकिस्तान की बात है, ठीक है, कैसे बता रखा है, कैसे इंडियन फिल्म्स बहुत ज्यादा फेमस है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, देखते हैं। तो 7 ईयर्स लेटर ऑफ द सोवियत यूनियन कोलैप्स, 7 साल हो गए थे यूनियन सोवियत यूनियन को कोलैप्स हुए, उज्बेक पैशन फॉर इंडियन फिल्म्स कंटिन्यूस। उज्बेकिस्तान का जो इंडियन फिल्म्स के प्रति प्रेम था वो और कंटिन्यू चलता गया चलता गया। विद इन मंथ ऑफ द रिलीज ऑफ द लेटेस्ट फिल्म्स इन इंडिया, पायरेट कॉपीज वर ऑलरेडी ऑफ ऑन सेल इन उज्बेक कैपिटल तस्किंत। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, तस्किंत। ठीक है, तो जैसे ही कोई नई मूवी रिलीज हुई इंडिया में, उसके 2 या 3 मंथ्स लेटर ही उसकी जो पायरेटेड कॉपीज होती है, सो यू नो वॉट इज पायरेटेड कॉपीज, तो वो सिनेमा हॉल में जाके रिकॉर्ड कर लेते ना, तो वो पायरेटेड कॉपीज होती है, वो फिर बिकती थी तस्किंत में। मोहम्मद शरीफ एक दुकान चलाते हैं इंडियन फिल्म्स की, कहाँ पे, तस्किंत में ही। ठीक है, तस्किंत में एक दुकान चलाते हैं जहाँ पे वो इंडियन फिल्म्स की सीडीज बेचते हैं। तो वो अफगानी है और पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है, पेशावर से होते हुए ये सीडीज हैं उसको इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, तो दे आर मैनी पीपल हु लव इंडियन फिल्म्स हियर, वो कहते हैं कौन, तो मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि भैया ऐसी बात है, उज्बेकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन फिल्म्स को पसंद करते हैं। अबाउट 70% ऑफ पीपल इन तस्किंत बाय देन, ही सेइंग कि भैया 70% लोग इंडियन फिल्म्स को परचेज करते हैं और वो भी पायरेटेड। ठीक है, पायरेटेड मूवीज को, सीडीज को परचेज करते हैं, है ना। वी सेल 100 वीडियोज अ डे, कहते हैं कि एक दिन में 100 सीडी बेच लेते हैं। ठीक है, और इन्होंने जस्ट अभी एक ऑर्डर डाला है 1000 सीडीज और का। ठीक है, ये बता रहे हैं मोहम्मद शरीफ अपना एक्सपीरियंस इन उज्बेकिस्तान। ही इज अफगानी बेसिकली फ्रॉम ओरिजिन, बाय लुकिंग एट हिज ओरिजिन ही इज फ्रॉम अफगान, अफगान इज व्हाट, अफगानिस्तान। ठीक है, सो दिस इज नॉट नेसेसरी। ही सेज द उज्बेक्स आर सेंट्रल एशियन, दे आर पार्ट ऑफ एशिया, दे हैव अ कॉमन कल्चर, दैट्स व्हाई दे लाइक इंडियन फिल्म। तो कह रहे हैं कि भैया उज्बेक्स भी तो एशिया में है, उज्बेकिस्तान इन सेंट्रल एशिया, इफ यू कैन सी कजाकिस्तान के जस्ट ऊपर है। ठीक है, डिस्पाइट द शेयर्ड हिस्ट्री फॉर मैनी इंडियंस लिविंग इन उज्बेकिस्तान, द पैशन द उज्बेक्स हैव फॉर देयर फिल्म्स एंड फिल्म स्टार्स हैज कम एज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा ही पैशनेट है ये लोग इंडियन फिल्म्स को लेकर। कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर, उज्बेकिस्तान का कोई मिनिस्टर हो या कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी आता है, ठीक है, तो हमारे कन्वर्सेशन के बीच में हम हमेशा मेंशन करते हैं ये कौन बोल रहा है, इंडियन एम्बेसी में जो तस्किंत है, तस्किंत में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे काम करने वाले अशोक सामिर कह रहे हैं कि अगर हमारे एम्बेसी में कोई यहाँ का मिनिस्टर आता है तो उनसे बातचीत होती है मूवीज को लेकर। दिस शोज दैट इंडियन फिल्म कल्चर सॉन्ग्स एंड स्पेशली राज कपूर हैव बीन हाउसफुल नेम्स। कह रहे कि राज कपूर दिन का घर का नाम हो गया है। अब जैसे कोई इनके घर पे
कोई भी है, जैसे हमारे में बोलते हैं ना कि भैया ये तो सलमान खान है, वैसे ही घर में बोलते हैं भैया ये तो राज कपूर है ना। तो ऐसा हो गया है। मोस्ट ऑफ देम कैन सिंग सम हिंदी सॉन्ग्स, दे मे नॉट नो द मीनिंग बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट एंड दे नो द म्यूजिक। कह रहे हैं कि भले ही इन लोगों को हिंदी जो गाना गा रहे हैं, ये लोग गाना भी गाते हैं ठीक है, इनको भले ही समझ ना आ रहा हो लेकिन दे यूज टू ठीक है, क्योंकि और इनकी जो हिंदी है, जो हिंदी एशियंट है, इज क्वाइट गुड। कह रहे हैं कि जो इनका प्रोनाउंसिएशन है ठीक है वो बहुत अच्छा है, और इनको यही पता है कि भैया म्यूजिक क्या है, क्या सुर ताल कह सकते हैं ठीक है। आई एम नॉट फ्रॉम अ म्यूजिक बैकग्राउंड सो आई कैन नॉट से एनीथिंग और आई कांट पुट एनी स्टेटमेंट टुवर्ड्स इट। आई हैव फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट ऑल माई नेबर्स कैन सिंग एंड प्ले हिंदी सॉन्ग्स, दिस वॉज रियली बिग सरप्राइज टू मी वेन आई केम टू उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे पड़ोसी दे आर यूज टू सिंग हिंदी सॉन्ग्स ठीक है, और दे यूज टू प्ले हिंदी सॉन्ग्स इन देयर डेली रूटीन आई वुड से ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप यू लव दैट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर वुड बी हेजमनी ऑफ द यूएसए, ऐसी कुछ चैप्टर है, चैप्टर 2 ठीक है। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।